अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद हैं सैगल मोटर्स पे, जो कि मेन जीटी रोड अपोजिट टू डीएचए फेज टू रावलपिंडी में लोकेटेड है। और आज इस गाड़ी की डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। इट्स अ सुजुकी आल्टो। सो इसके ऑनर की डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप इजीली इस गाड़ी को अप्रोच कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं गाड़ी की डिटेल वीडियो को। सुजुकी आल्टो, इट्स अ 2023 मॉडल, अ ब्रांड न्यू कार विच इज अनरजिस्टर्ड। 660 सीसी कैटेगरी की ये कार है। VXL वेरिएंट विद AGS फैसिलिटी। और इस गाड़ी की जो डिमांड की जा रही है, दैट इज 31 लैक्स, 31 लाख रुपए। फ्रंट साइड को बहुत ही डिसेंट लुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें ग्रिल का सेक्शन बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और जो इसकी हेडलाइट्स की कंडीशन है, वो बहुत ही जबरदस्त है, इन अ वेरी यूनिक शेप। पार्किंग लाइट्स आर अवेलेबल एट इट्स बोथ साइड्स। बैक साइड को भी बहुत ही डिसेंट लुक प्रोवाइड की गई है, और बहुत ही जबरदस्त शेप के साथ प्रेजेंट किया गया है इसकी बैक साइड को, जिसमें अवेलेबल है बैक लाइट्स, और बहुत ही फाइन कंडीशन है इसकी बैक लाइट्स की। ड्राइविंग साइड का डोर अवेलेबल है इन मल्टी कलर्स, जिसमें पावर विंडोज और साइड मिरर्स को ऑपरेट करने का फीचर प्रोवाइड किया गया है, विद इंस्टॉल्ड स्पीकर एंड स्टोरेज कंपार्टमेंट। सेकेंड सीटर साइड के डोर में भी मल्टी कलर्स इंटीरियर अवेलेबल है, जिसमें पावर विंडो, इंस्टॉल्ड स्पीकर और स्टोरेज का माइनर सा कंपार्टमेंट प्रोवाइड किया गया है। बैक साइड का डोर अवेलेबल है ब्लैक इंटीरियर के साथ, जिसमें पावर विंडो और इंस्टॉल्ड स्पीकर अवेलेबल है। सेम फीचर्स और सेम कंडीशन के साथ बैक साइड का दूसरा डोर भी अवेलेबल है। सो ओवरऑल जो चारों डोर की इनर कंडीशन है, वो बहुत ही जबरदस्त है। सो व्यूअर्स, जैसा कि मौजूद हूं मैं ड्राइविंग सीट पे, एंड हियर इज द की। इंटीरियर इज अवेलेबल इन मल्टी कलर्स विद अ वेरी फाइन कंडीशन, जिसमें डैशबोर्ड का टॉप सेक्शन जो है, वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में अवेलेबल है। सेकंड सीटर की सेफ्टी के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया है विद AC ग्रिल, और इसके बॉटम में प्रोवाइड किया गया स्टोरेज बॉक्स, जिसके मिड में अवेलेबल है एंटरटेनिंग पैनल विद 2 AC ग्रिल्स। हैजर्ड लाइट्स का बटन अवेलेबल है। AC पैनल जो है बटन और नॉब शेप में अवेलेबल है विद ऑटो ट्रांसमिशन लीवर। और उसके साथ यहाँ पे एक पोर्ट प्रोवाइड की गई है फॉर स्मोकिंग पर्पस। ड्राइविंग साइड पर प्रोवाइड की गई है जस्ट एक AC की ग्रिल। स्टेयरिंग इज अवेलेबल इन वेरी सिंपल कंडीशन, जिसमें सेफ्टी पर्पज के लिए एयर बैग प्रोवाइड किया गया है। स्पीडोमीटर की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स स्पीडोमीटर, जिसमें 140 किलोमीटर की स्पीड रेंज प्रोवाइड की गई है, और एक पैनल प्रोवाइड किया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी माइनर ऑब्जर्वेशन को इजिली नोट डाउन कर सकते हैं। एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ इट्स एंटरटेनिंग पैनल, विच इज इन टच शेप एंड इट इज वेरी इजी टू ऑपरेट। फ्रंट पे लेग स्पेस जो है, बहुत अनफ प्रोवाइड की गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अप्रोचिंग द पेडल्स वेरी इजीली, बहुत ही कंफर्टेबली मैं इस वक्त इसकी ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ। फ्रंट सीट्स जो हैं, वो नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ अवेलेबल हैं इन फैब्रिक स्टफ। और इन सीट्स के मिड में जो पैनल प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे अवेलेबल हैं 2 कप होल्डर्स विद हैंड ब्रेक लीवर, और बैक साइड के पैसेंजर्स के लिए भी 2 कप होल्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं। रूफ में प्रोवाइड किया गया है इसका शेड, विच इज इन वेरी सिंपल कंडीशन, और सेकंड सीटर साइड का जो शेड है, वो भी सिंपल कंडीशन में अवेलेबल है। और इन दोनों शेड्स के मिड में प्रोवाइड किया गया लाइट पैनल, विच इज इन वर्किंग कंडीशन। सो व्यूअर्स, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गाड़ी की बैक सीट पे, और आपको बताता चलूँ, आई एम सिटिंग वेरी कंफर्टेबली एट द बैक सीट एज वेल। लेग स्पेस आप देख सकते हैं, इट इज टू मच इनफ, बहुत ही वाइड स्पेस प्रोवाइड की गई है इसके रूम में, एक कंफर्टेबल राइड अवेल की जा सकती है। बैक सीट्स जो है, वो फैब्रिक के स्टफ में अवेलेबल है, जिसमें हेडरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया गया। तो अभी हम ऑब्जर्व करते हैं इसके ट्रंक एरिया में मौजूद स्टोरेज स्पेस, एंड दिस इज द टोटल ट्रंक एरिया, जिसके अंदर एक रीजनेबल क्वांटिटी इजीली कैरी की जा सकती है लगेज की। और अगर आपको अपने लगेज की क्वांटिटी को इंक्रीज करना हो, तो बैक सीट्स फोल्डेड कंडीशन में अवेलेबल हैं, बिकॉज इसके ट्रंक का जो एरिया है, वो इसके रूम का हिस्सा है, इट इज़ नॉट सेपरेटेड। सो अभी हम ऑब्जर्व करते हैं इसके इंजन सेक्शन में मौजूद मैकेनिकल वर्क की कंडीशन। As you know that it's a brand new car, so इसका तमाम तर mechanical work जो है, वो बेहतरीन condition में available है। And this is the condition of its lid. So viewers, ये थी इस गाड़ी की तमाम तर details जो मैंने आपको provide की हैं आपकी screen पे। यहाँ पे करते हैं इस video close, मिलते हैं आपसे next किसी video में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you so much for watching this, and Allah Hafiz.